महान कुबूर और उसकी कमेटियां किस तरह से जमीनों पर अतिक्रमण करती, उसकी एक झलक दिल्ली के शाही ईदगाह के पास डीडीए की जमीन पर देखने को मिली। यहाँ डीडीए की जमीन पर वीरांगना लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का काम चल रहा था, लेकिन ईदगाह कमेटी ने इसे वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये इसकी पास में जो है शाही ईदगाह मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो पूरी जो जगह है वो शाही ईदगाह मैनेजमेंट के अंदर आती है। लेकिन कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि जिस जगह पे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगनी है वो पूरा डीडीए लैंड आता है, तो इस पे आप कोई रोक टोक जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ने राजनीतिक मुद्दा बनाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन जो यहाँ के लोग जो हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ शख्स जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, तो उन लोगों पर ही दिल्ली पुलिस की नज़र। ईदगाह कमेटी के विरोध के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने ईदगाह कमेटी को फटकार लगाई और डीडीए की जमीन पर वीरांगना की मूर्ति लगाने का आदेश दिया। लेकिन इसके बावजूद वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए इलाके में फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई। पुलिस और प्रशासनिक टीम ने ड्रोन कैमरों से संदिग्धों पर नजर रखी। सब नॉर्मल है, यहाँ पे पीसफुल है, कोई गैदरिंग नहीं है। एक प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट लगा रखा है फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल शांति, आप खुद देख लीजिए, कुछ नहीं है यहाँ पे। ईदगाह कमेटी के तमाम विरोध के बावजूद अब फिर से वीरांगना लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर वहाँ फोर्स की तैनाती कर दी गई, लेकिन सवाल ये है कि वीरांगना की प्रतिमा से आखिर किसे दिक्कत। स्वतंत्रता संग्राम के हीरोज की प्रतिमा का विरोध करने वाले आखिर ये लोग कौन हैं? क्या वीरांगना की प्रतिमा के खिलाफ जानबूझकर अफवाह फैलाई गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।